जिस देश की जनता सोएगी, दिन रात सोएगी, देश की चिंता नहीं रहेगी उस देश के अधिकारी और नेता मीडिया क्या कर पाएंगे। जिस देश का जनता सो रही है उस देश का अधिकारी मीडिया या कोई भी जाग पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा? नहीं। आप किसको मानते हैं? ये ग्रीनलैंड में मकान बनना चाहिए? नहीं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जनता जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं। एक दिन और अगर बारिश हो जाए तो कितने लोग परेशान होंगे अंदाजा लगाइए। ये आजमगढ़ में स्पाइस एंड मसाला, द फ्लेवर ऑफ इंडिया। फिर मैं इस देश से कहना चाहता हूँ कि इस देश के अधिकारी, जनता, सब लोग सो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं 2009 में प्रयास शुरू किया, और अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, अकाउंट नंबर दिया है मैंने। अब 10 रुपया देना पड़ेगा। अब 1 रुपया वाले भगवान नहीं मिले 1 लाख। अब मुझे 1 लाख भगवान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10,000 भगवान चाहिए जो 10 रुपया महीना दें। कम से कम 1 लाख रुपया मेरे पास महीने का आए और मैं युद्ध शुरू कर सकूँ। देखता हूँ कौन मकान बनवाता है, कोई भी गलत काम, अगर एक भी गलत काम हम रोक दिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि राजीव तलवार कुछ कर सकता है। आपके पैसे से ये देश चलता है। एक मंत्री, एक नेता, एक अधिकारी, कितना पैसा आप खर्च करते हैं आपको कभी एहसास हुआ है? सोच के देखिए उसके बदले में वो क्या करता है। ये लोग क्या करते हैं? देश को धोखा दे रहे हैं, हमको धोखा दे रहे हैं, और हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। समय आ गया है बाईपास रोड करतालपुर, समय आ गया है। आप देखिए, ये मकान ग्रीनलैंड में नहीं बनना चाहिए, और अगर बन रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कैसे रुकेगा आप बताइए, कैसे रुकेगा? ये सब देश की एक भी समस्या ये लोग ख़त्म करने की स्थिति में नहीं है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, चर्चा करके देखिए, हम विकास नहीं विनाश कर रहे हैं। भगवान बनिए, भगवान के भरोसे मत बैठो। का पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पावर। उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से।